हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीट कोड प्रॉब्लम 131, दैट इज पैलिंड्रोम पार्टीशन। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है रिकर्शन एंड बैक ट्रेकिंग का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है। एंड आई एम प्रेटी श्योर दैट वीडियो के एंडिंग तक आपको सच में ऐसा फील लगेगा कि आपने बहुत अच्छा सीखा है करके। ठीक है, तो वीडियो के एंडिंग तक बने रहेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या है, वी आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड वी हैव टू पार्टीशन एस सच दैट एवरी सबस्ट्रिंग ऑफ द पार्टीशन इज अ पैलिंड्रोम एंड वी हैव टू रिटर्न ऑल द पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग ऑफ एस। पैलिंड्रोम की डेफिनेशन क्या गिवन है, अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग दैट रीड सेम बैकवर्ड एस फॉरवर्ड। आप एग्जांपल देखिए, एस एस इज इक्वल टू ए ए बी, इसमें क्या करना है आपको, ऐसा पार्टीशन करना है सच दैट एवरी सबस्ट्रिंग ऑफ योर पार्टीशन मस्ट बी अ पैलिंड्रोम। तो ऐसे दो पार्टीशन पॉसिबल है, पहला पार्टीशन ए, फिर नेक्स्ट ए, फिर बी, ए ए बी, तीनों को आपने किया तो देखो ये ए बी पैलिंड्रोम है, ये वाला नेक्स्ट ए बी पैलिंड्रोम है एंड ये बी बी पैलिंड्रोम है। और अगला पार्टीशन क्या पॉसिबल है, डबल ए एंड बी, इसमें भी देखो डबल ए बी पैलिंड्रोम एंड बी बी पैलिंड्रोम है। ठीक है, साथ साथ में आप प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट को देखिए, कॉन्स्टेंट क्या है, 16, 1 से लेकर 16। तो इतना छोटा कॉन्स्टेंट जब भी आप देखा करो ना, तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है आप प्योरली ब्रूट फोर्स आप सॉल्व कर सकते हो, मीन्स प्योर रिकर्शन या प्योर बैक ट्रैकिंग का ही प्रॉब्लम है अगर आपका कॉन्स्टेंट इतना ज्यादा छोटा है। ठीक है, मीन्स आपको माइंड में कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बैक ट्रैक या फिर रिकर्शन का हो सकता है। अब कैसे करना है इसको हम देखते हैं अपने अप्रोच के थ्रू। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम। पहले क्या है, द एम इज टू पार्टीशन द स्ट्रिंग इनटू ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोम कॉम्बिनेशन। टू अचीव दिस वी मस्ट जनरेट ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग बाय पार्टीशनिंग एट एवरी इंडेक्स अंटिल वी रीच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आप एग्जांपल देखोगे, एस इज इक्वल टू ए बी बी है, तो यहां पे देखो आप कहां कहां पार्टीशन लगा सकते हो, ए के बाद पार्टीशन लगाओगे ऐसा ए बन जाएगा, ए बी के बाद पार्टीशन लगा सकते हो तो आपको ए बी मिलेगा, ए डबल बी के बाद पार्टीशन लगाओगे तो ए डबल बी मिलेगा, ए बी बी ए के बाद सबसे एंडिंग में पार्टीशन लगाओगे तो आपको पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, इट जनरेटेड सबस्ट्रिंग इज कंसीडर्ड एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट इफ इट इज अ पैलिंड्रोम। मींस हम क्या चाहते हैं कि आपका इट सबस्ट्रिंग, जो भी पार्टीशन में आपका जो भी सबस्ट्रिंग बने वो सब पैलिंड्रोम बनना चाहिए। तो अगर जो भी सबस्ट्रिंग है वो आपके आंसर में कब कंसीडर होंगे, जब सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स क्या होंगी, पैलिंड्रोम होंगी करके। ठीक है, तो अब इंट्यूशन की बात करते हैं, द आइडिया इज टू जनरेट ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग एंड एक्सपांड इच पॉसिबिलिटी इफ इट इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट। अभी हम जो भी कह रहे हैं इसको हम एक ड्राई रन करके देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये जस्ट इंट्यूशन है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, जितनी भी पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स हम सबको जनरेट करेंगे और देखेंगे अगर वो पैलिंड्रोम हुआ तो हम उसको अपने आंसर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो डरने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक वर्ड लिखा है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ग्राफ एंड ट्री में इसका यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफ ट्री के परस्पेक्टिव से नहीं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग के परस्पेक्टिव से सोचेंगे, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। हम जब एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, इन डेप्थ फर्स्ट सर्च वी रिकर्सिवली एक्सपांड पोटेंशियल कैंडिडेट अंटिल द डिफाइंड गोल इज अचीव्ड, आफ्टर दैट वी बैक ट्रैक टू एक्सप्लोर द नेक्स्ट पोटेंशियल कैंडिडेट। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं। बैकट्रैकिंग इंक्रीमेंटली बिल्ड्स द कैंडिडेट फॉर द सॉल्यूशन एंड डिस्कार्ड द कैंडिडेट इफ इट इज डजंट सेटिस्फाई द कंडीशन। कौन सी कंडीशन, आपका हर सबस्ट्रिंग क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोम होना चाहिए। अगर पैलिंड्रोम नहीं हो तो हम बैकट्रैक कर जाएंगे। ठीक है, अब ये रही हमारी एल्गोरिदम। इन द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम वी रिकर्सिवली ट्रवर्स ओवर द स्ट्रिंग इन द डेप्थ फर्स्ट सर्च फैशन। फॉर इच रिकर्सिव कॉल द बिगनिंग इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन एज स्टार्ट। हम क्या करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग में, क्या करेंगे, हम एक फंक्शन डिजाइन करेंगे जिसमें हम एक इंडेक्स लेंगे जो कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इटरेटिवली ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स को हम जनरेट करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, द एंड इंडेक्स क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, इफ फॉर इच ऑफ द सबस्ट्रिंग जनरेटेड चेक इफ इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। हमने क्या किया, स्टार्ट इंडेक्स लिया, वहां से हम ट्रवर्स करने वाले हैं बाय टेकिंग सेकंड एंड पॉइंट क्या होगा, एंड इंडेक्स। ठीक है, अगर आपकी जो सबस्ट्रिंग हुआ स्टार्ट से एंड के बीच का अगर वो पैलिंड्रोम हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे अपने आंसर में। ठीक है, इफ द सबस्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम द सबस्ट्रिंग इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, ऐड द सबस्ट्रिंग टू करंट लिस्ट, जो भी आपका करंट आंसर है करंट पार्टीशन उसमें उसको ऐड कर दो एंड परफॉर्म डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन द रिमेनिंग सबस्ट्रिंग। अगर देखिए, इफ करंट सबस्ट्रिंग एंड सेट इंडेक्स एंड, तो एंड प्लस वन क्या होगा, वो आपका नेक्स्ट स्टार्ट इंडेक्स होगा फॉर द नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल। सेकंड और ये सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, बैक ट्रैक इफ स्टार्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्ट्रिंग लेंथ एंड एड द करंट लिस्ट टू द रिजल्ट। ठीक है, ये जो भी एल्गोरिदम है इसको हम एक एग्जाम्पल पर ड्राई रन करने वाले हैं। हमारे इंट्यूशन जो हमने बताया इसको भी हम एक एग्जाम्पल पर ड्राई रन करेंगे तो अपने को बहुत आसानी से बहुत मस्त तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास सब मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है एस इज इक्वल टू ए ए बी ए
ये मैंने माना कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आपको देखो, आपको क्या किसको पार्टीशन करना है, ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ पे पार्टीशन लगा सकते हो? पहला पार्टीशन आप लगा सकते हो फर्स्ट ए के बाद, नेक्स्ट पार्टीशन आप डबल ए के बाद, ये नेक्स्ट ए के बाद भी लगा सकते हो, फिर थर्ड पार्टीशन आप ये वाले बी के बाद लगा सकते हो, और नेक्स्ट पार्टीशन ये वाले ए के बाद लगा सकते हो, और नेक्स्ट पार्टीशन आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखिए ये टोटल 5 प्लेसेस है जहाँ पे आप क्या अपने पार्टीशन को लगा सकते हो। लेकिन पार्टीशन को कब लगाना है? जब भैया दो पार्टीशन के बीच में जो सबस्ट्रिंग होगी वो क्या होगी? पैलिंड्रोम होनी चाहिए, तभी आपका पार्टीशन लगाना सार्थक होने वाला, अदरवाइज आपको पार्टीशन लगाना नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करने वाले, ठीक है। अब देखिए, जब भी एक बात मैंने क्या बोला भाई, हम अपना पार्टीशन कब लगाएंगे? जब भी क्या होगा आपको, मतलब जब आपका जो स्ट्रिंग होगा वो क्या पैलिंड्रोम होगा। अगर पैलिंड्रोम होगा तभी हम क्या करेंगे, उसको अपना हम पोटेंशियल कैंडिडेट मानेंगे और उसको आगे चेक करने वाले। देखिए क्या बताया, पोटेंशियल कैंडिडेट की बात है, पोटेंशियल कैंडिडेट कौन होगा? जब आपकी स्ट्रिंग क्या होने वाली है, जब आपकी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी तभी वो आपका पोटेंशियल कैंडिडेट होगा, ठीक है। तो ये देखिए, अगर यही वाली चीज को मैं फिर से मीन्स हमने देख लिया कि 5 पॉसिबिलिटी है जहां जहां पे आपको क्या आप क्या लगा सकते हो, जहां पे आप पार्टीशन लगा सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स से हम स्टार्ट करें, ठीक है। इनिशियली हम कहाँ पे है, इनिशियली हम अपनी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग पे है, ठीक है। इनिशियली आप कहाँ पे हो, इनिशियली जो आपका इंडेक्स है, इनिशियली जो आपका इंडेक्स है वो 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो 0 से हो, तो 0 से यहाँ पे, तो आप यहाँ से यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे आप पार्टीशन लगा पाओगे यहाँ पे। ये देखिए, अगर यहाँ पे पार्टीशन लगाना पॉसिबल है, कब पॉसिबल होगा पार्टीशन लगाना? जब मैंने क्या कहा था कि आपके पार्टीशन लगाने के बाद जो भी आपकी सबस्ट्रिंग बनेगी वो क्या पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो कि भाई ये ए पैलिंड्रोम है, यस। तो मैं मतलब आप यहाँ पे पार्टीशन लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या ये 4 सबस्ट्रिंग्स बच गई, ठीक है, मतलब ये 4 कैरेक्टर्स बच गए। अब आपको इस तरीके से इन इन चारों कैरेक्टर्स में पार्टीशन लगाना है, सच दैट ये चारों कैरेक्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि सारी मतलब इन चारों कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से जो भी सबस्ट्रिंग्स बन रही हो वो भी पैलिंड्रोम, ठीक है। तो आगे चेक करते हैं। अब देखिए ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं, इसमें मैं क्या ये वाले ए पे लगा सकता हूँ? मतलब आपके पास क्या ए बी बच गया, ठीक है। तो अब मैंने बात किया, क्या मैं ये वाले ए पे पार्टीशन लगा सकता हूँ क्या? तो अगर मैं यहाँ पे ए पे पार्टीशन लगाऊंगा तो ये दोनों पार्टीशन के बीच में ये देखिए ये जो सबस्ट्रिंग बनी है क्या पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो कोई एक अकेला कैरेक्टर ए तो पैलिंड्रोम होगा ही, तो ऑब्वियसली बात है। चलो आप आपका आपका सेकंड सेकंड पार्टीशन भी आपका सही है, क्योंकि आपको जो ये स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग मिली ए वो भी क्या है आपका पैलिंड्रोम है, ठीक है। और आगे चलता हूं, अब आपके पास क्या बच गया, बी ए बी। अब बी ए बी है तो अब इसमें देखो क्या बी के बाद आपका पार्टीशन लगाना पॉसिबल है क्या? तो हम देखेंगे यस पॉसिबल है, क्योंकि आपका जो दो पार्टीशन के बीच में सबस्ट्रिंग कौन है, बी। तो देखो ये बी जो है आपका वो क्या है अपने आप में एक पैलिंड्रोम है, सिंगल कैरेक्टर हमेशा पैलिंड्रोम होता है, यस। थर्ड पार्टीशन भी आपका करेक्ट है। फिर आपने क्या देखा, आप क्या ये वाले मतलब 4th इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। मींस आपका इंडेक्स पे क्या है बार बार इंक्रीमेंट होते जा रहा है, ठीक है। मतलब आप इनिशियल 0th इंडेक्स, फिर 1st इंडेक्स, फिर 2nd इंडेक्स, फिर 3rd इंडेक्स पे आया, ठीक है। अब क्या देखा आपने, 3rd इंडेक्स के बाद आपका पार्टीशन लगाना पॉसिबल है क्या? आपने स्टार्ट किया था 0th इंडेक्स से, ठीक है। तो अगर आपने देखा 3rd इंडेक्स के बाद अगर आप मतलब 4th कैरेक्टर के बाद अगर आप पार्टीशन लगा रहे हो पॉसिबल है क्या? यस ये पॉसिबल है, क्योंकि दो पार्टीशन के बीच में जो सबस्ट्रिंग है ए, और ए क्या है अपने आप में पैलिंड्रोम है। उसके बाद आप और आगे गया तो आपको क्या मिला, बी। अब देखो क्या ये बी के बाद आप पार्टीशन लगा सकते हो, यस, क्योंकि क्या नाम है इंडिविजुअल बी, ये भी क्या है आपका पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो देखिए पहले आपने एक 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 को लिया, फिर नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स बचे उनमें भी आपने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को आपने पार्टीशन कर दिया, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर में आपने पहले ये भी पार्टीशन लगाया, फिर ये 3 कैरेक्टर बचे, फिर आपने ये वाले बी भी पार्टीशन लगाया, फिर देखिए ये 2 कैरेक्टर्स बचे थे ए बी, फिर आपने क्या किया ये वाले ए कैरेक्टर के बाद आपने क्या लगाया पार्टीशन, फिर इन द लास्ट आपके पास क्या बच गया, बी, ठीक है। तो मीन्स देखिए आपके पार्टीशन क्या क्या, आपके पार्टीशन में मतलब जो आपका आंसर था, अगर मैं आपका मतलब आपका ये जो आंसर है, एक आपका आंसर ले लेता हूँ, ठीक है। तो आंसर में है, तो आंसर में आप क्या 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 किया आपने, आपका जो पहला आंसर बताया उसमें आपने क्या किया, सारे कैरेक्टर्स को आपने इंडिविजुअल पार्टीशन लगा दिया, ए ए बी ए बी। तो देखिए आपको कोई समस्या नहीं हुआ, देखिए क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स इंडिविजुअल थे और इंडिविजुअल कैरेक्टर हमेशा से पैलिंड्रोम होते हैं। तो देखिए आपका जो एक पॉसिबल पार्टीशन आपको क्या मिल चुका, ए ए बी ए बी, ये आपका एक आंसर आपको मिल चुका, ठीक है। अब देखिए हमने अपने एल्गोरिथम में क्या कहा था, ये एक बात देखिए, बैक ट्रैक इफ स्टार्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। साथ साथ में ये भी चीज देखेंगे, हमने क्या किया था, हम अपने मतलब कि पार्टीशन कब लगा, इफ द सबस्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम द सबस्ट्रिंग इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट। जब आपका सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो रहा था तभी, जैसे कि देखिए ये जो ये एक बार आपने पार्टीशन लगाया, उसके बाद आपने ये देखिए ये जो आपका बी है, बी के बाद आपने पार्टीशन लगा क्या चेक किया कि भाई ये जो आपका सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये जो पैलिंड्रोम था तभी हमने क्या किया, तभी हमने करंट सबस्ट्रिंग एंड सेट इंडेक्स एंड, अगर यहाँ ये वाला स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोम है तभी आपने इसको यहाँ पे एंड किया, और क्या क्या इंडेक्स प्लस वन को आपने नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल के लिए मतलब नेक्स्ट पोटेंशियल कैंडिडेट के लिए आपने भेज दिया करें, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो ये ए है इसको आपने नेक्स्ट पोटेंशियल कैंडिडेट देखने का ट्राई किया कि ये आपका नेक्स्ट पोटेंशियल कैंडिडेट है कि नहीं, ठीक है। इसलिए आपने क्या आपने क्या किया, नेक्स्ट इंडेक्स को आपने भेजा फॉर द नेक्स्ट पोटेंशियल कैंडिडेट, ठीक है। और इन द लास्ट हमारा लिखा था बैक ट्रैक इफ द स्टार्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्ट्रिंग लेंथ एंड एड द करंट लिस्ट टू द रिजल्ट। तो हमने क्या करंट लिस्ट को क्या किया, हमने रिजल्ट में एड किया, और हम क्या करेंगे बैक ट्रैक।
बैक ट्रैक करने का रीजन समझिए आप। ये देखिए मैंने ए ए बी ए बी सबको इंडिविजुअल पार्टीशन किया, ठीक है। अब हम बैक ट्रैक क्यों करेंगे भैया, ये जो ए है मतलब कि जस्ट आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आपके पास ये दो कैरेक्टर्स थे ए बी, ठीक है, ये दो कैरेक्टर्स थे ए बी, आपने ये वाले ए के बाद आपने एक पार्टीशन लगा दिया, ठीक है। तो ये वाले पार्टीशन लगाने के बाद क्यों पार्टीशन लगा पाए, क्योंकि ये वाला ए था वो इंडिविजुअल क्या पैलिंड्रोम था। तो अब ये भी तो हो सकता है आप ये वाले ए के बाद आप पार्टीशन ना लगाओ, ये वाले ए के बाद पार्टीशन ना लगा के आप ये मतलब कि ये बी को ऐसे ही रहने दीजिए, मीन्स यहाँ पे इसे आप पैलिंड्रोम हटा दीजिए और सीधा बी के बाद डायरेक्टली है अपना क्या लगाइए पार्टीशन, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक मतलब ये जो आपने लास्ट पार्टीशन किया था, हम इस लास्ट पार्टीशन करके बी को डाला था आपने किसमें, आंसर में, ठीक है। आपका इनिशियली क्या था, ए ए बी ए बी था, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका इनिशियल पार्टीशन लिख देता हूँ ए ए, ये आपका इनिशियल पार्टीशन था, ठीक है, बी ए बी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, बैक ट्रैक करना। बैक ट्रैक मतलब क्या करोगे, आप अपने लास्ट कैरेक्टर को बाहर निकाल दो, कि भाई जो आपने लास्ट पार्टीशन किया किसी सिंगल मतलब कि जिस इंडेक्स पे मतलब लास्ट पार्टीशन किया, आप उसको और एक्सपांड कर सकते हो क्या, क्योंकि हमने क्या देखा था भाई, हमको क्या देखा, इंक्रीमेंटली बिल्ड करना, बैक ट्रैकिंग इंक्रीमेंटली बिल्ड द कैंडिडेट्स फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। मीन्स जो हमारा ये कैंडिडेट ए था, इसको आपने पहले इंडिविजुअल कंसिडर किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या इसको इंडिविजुअल ना इसको और इंक्रीमेंट कर सकते हैं क्या, इसलिए हम क्या करेंगे बैक ट्रैक। तो बैक ट्रैक करते क्या किया हमने, एंडिंग से बी को इरेज कर दिया। तो एंडिंग से बी को इरेज करने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका मतलब इनिशियली जो मतलब आपका जो ए के बाद आपने जो पार्टीशन लगाया था उसको हमने दिया। अब आप क्या चेक करो कि भाई क्या ये ए बी जो है, क्या ये इंडिविजुअल अपने आप में क्या ये आपका पैलिंड्रोम है क्या। अब आपको ये चेक करने की जरूरत है, क्या ए बी आपका पैलिंड्रोम है। तो मींस जब आप चेक करोगे, देखिए आपको मतलब हमने एक चीज क्या कहा था, अगर आपका पैलिंड्रोम होगा तभी आपको आगे बढ़ना, ठीक है। इफ द सबस्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, द सबस्ट्रिंग इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट एट द सबस्ट्रिंग टू द करंट लिस्ट, अगर वो पैलिंड्रोम होगा तभी आपको आगे बढ़ना है। आप चेक करोगे भाई ए बी तो आपका पैलिंड्रोम नहीं है, तो मींस अगर आप ए एंड बी को कंबाइन करके एंडिंग में पार्टीशन लगाओगे तो आपका काम नहीं चलने वाला करके, ठीक है। मीन्स आपका ए के साथ आप बी को एक्सपांड मतलब ए के साथ आप बी को कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मीन्स अगर ऐसा नहीं है तो मीन्स आपको क्या करना, फिर से आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। बैक ट्रैक कब कब करना है, या तो आपका मतलब आप स्ट्रिंग के एंडिंग पे पहुंच जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, उसको आप रिजल्ट में ऐड कर दो, ठीक है। अदरवाइज आपका जो प्रेजेंट सबस्ट्रिंग है, अगर वो आपको पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है, अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो आपको क्या करना है बैक ट्रैक करना, ठीक है। तो बैक ट्रैक करने के लिए इस बार वापस से क्या करेंगे, जो आपका एंडिंग वाला कैरेक्टर था उसको आप इरेज कर दो, ठीक है। कि भाई आप एंडिंग कैरेक्टर को आपने इंडिविजुअली तो ले लिया, इंडिविजुअल लिया था, तो देखो ए को आपने इंडिविजुअल लिया था, फिर आपने बी को इंडिविजुअल लिया, ठीक है। बाद में आपने क्या किया, ए बी को कंबाइन लेना चाहते, उसके लिए आपने पहले बी को बैक ट्रैक किया, ठीक है, ताकि आप मतलब ए बी को साथ में कंसिडर कर सको, ठीक है। अब देखिए ए बी का काम तो बना नहीं, अब देखो ये जो आपका प्रीवियस बी था, ए के पहले वाला बी है, उसके साथ आप नेक्स्ट ए को आपको कंबाइन करना, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो एक पार्टीशन की दीवार थी उसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टीशन को दीवार आपने हटाया ताकि आप नेक्स्ट ए को कंसीडर कर सको, इसीलिए नेक्स्ट जो बी के बाद जो नेक्स्ट था उसको आपने बैक ट्रैक भी कर लिया, ठीक है, ताकि पार्टीशन की जो दीवार थी वो हट जाए, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हमें देखना होगा बी है, बी एंड ए को हम दोनों को हम कंबाइन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बी एंड ए को आप कंबाइन करने का प्रयास करो, तो देखो क्या बी मतलब बी एंड ए को कंबाइन करो, उसके मतलब यहां पे आप पार्टीशन लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि देखो ये जो पार्टीशन है बी ए मतलब दो पार्टीशन है, दो पार्टीशन के बीच में जो सबस्ट्रिंग है बी ए इज नॉट अ पैलिंड्रोम, मींस यू कांट पुट योर पार्टीशन आफ्टर ए, तो मींस हम यहां पे अपना पार्टीशन नहीं लगा सकते, तो मींस यहां पे पार्टीशन लगाना हमको मतलब हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने बी ए को कंबाइन करना चाह नहीं कर सकते, आप देखो बी ए बी को कंबाइन कर सकते हो क्या, मीन्स आप पार्टीशन क्या करो मतलब लास्ट वाले बी के बाद लगा, तो अगर आप देखोगे बी ए बी पे आप पार्टीशन लगा सकते हो, क्यों लगा सकते हो, कि भैया बी ए बी क्या है, वो है आपका पैलिंड्रोम। तो ये देखिए यहाँ पे आप बी जो आपका यहाँ पे ये जो आपका बी था, इसी के साथ आपने क्या किया ए बी को भी आपने कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो देखो आपका ये पार्टीशन बना, और देखो आपने देखो आपकी स्ट्रिंग भी एंड हो गई, मीन्स आप एंड कैरेक्टर पे एंड इंडेक्स पे पहुंच चुके हो करके, ठीक है। तो जैसे ही आप एंड इंडेक्स पे पहुंचोगे तो आपको क्या करना, अपनी प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंट जो आंसर था उसको आपने क्या करना, अपने रिजल्ट में ऐड कर देना, ठीक है। तो हमारा नया रिजल्ट क्या मिला, ए ए बी ए बी, ठीक है। आपका नया रिजल्ट क्या आपको मिला, आपका नया रिजल्ट है ए ए एंड क्या है बी ए बी, ठीक है। तो देखिए आपको देखो यहाँ पे इच सबस्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, ये वाला ये भी ए पैलिंड्रोम है, ये वाला ए भी पैलिंड्रोम है, ये बी ए भी क्या है पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो अब देखिए बी बी के मतलब जो ये वाला हमारा पोटेंशियल कैंडिडेट बी था, तो इसके बाद जितने भी पॉसिबल मतलब पार्टीशनिंग थी वो आपने देख लिया, बी ए को कंबाइन करना चाह, पहले आपने इनिशियली बी को ही रखा था, ठीक है, बी के बाद पार्टीशन लगाया था, तो आपने क्या नाम है ये वाली मतलब बैक ट्रैक करते हुए आपने क्या किया, बी ए को कंबाइन करना चाहा, तो बी ए को कंबाइन नहीं कर सके, फिर आपने बी ए बी को कंबाइन करना चाहा तो आप कंबाइन कर सके, ठीक है। जैसे ही आप एंडिंग में पहुंचोगे आपको बैक ट्रैक करना है, क्यों, क्योंकि भाई आप अपने नेक्स्ट पोटेंशियल कैंडिडेट को मतलब अपने आंसर को आपको क्या करना है, हमको हमारे आंसर को इंक्रीमेंट करना है, मतलब हमको क्या चेक करना है कि भाई
कैंडिडेट जो भी आपका प्रेजेंट वाला जो कैंडिडेट है उसको और कितना आप एक्सपांड कर सकते हो, उसको मतलब और कितना लंबे तक आप पार्टीशन में का हिस्सा बना सकते हो। देखिए जैसे बी अकेला था तो, लेकिन बी ए बी आपने और उसको एक्सपांड किया, बी ए बी एक्सपांड कर लिया, ठीक है, इसीलिए हमको बैक ट्रैक करना, ठीक है। तो जैसे आप एंड पे पहुंचोगे तो आप बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक करते हैं का मतलब क्या हुआ, लास्ट जो भी आपका कैरेक्टर था उसको आप इरेज कर दो, तो आपने बी ए बी को इरेज कर दिया, ठीक है। बी ए बी को इरेज कर दिया तो मीन्स आपने बी 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 के सारे इफेक्ट को आप कंसिडर कर चुके हो। अब आप आ जाओ बी के पहले के प्रीवियस कैरेक्टर ए पे, ठीक है। अब आप ये वाले ए पर आ गए, और ये वाले ए पर आए तो आपने क्या किया, पहले जो आपने पार्टीशन लगाया था उस दीवार को हटा दिया ताकि आप ए को आप इंक्रीमेंट कर सको, ठीक है। ए से जो भी आपका आंसर बन रहा है उसको आप इंक्रीमेंट कर सको और चेक कर सको ए कहां तक एक्सपांड हो सकता है। तो अब देखिए पहले आपने क्या किया था, ए के जस्ट बाद आपने क्या किया था, पार्टीशन कर दिया, ठीक है। अब आप ए के जस्ट बाद पार्टीशन नहीं, अब आप देखोगे ए के और आगे कहां कहां तक आप पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप पहले पार्टीशन हमने लगाया बी मतलब ए बी को कंबाइन करना चाहते हो, ए बी को आप कंबाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते भैया, ए बी हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। अब और आगे बढ़ता हूं, ए बी ए को कंबाइन कर सकता हूँ, यस वी कैन कंबाइन ए बी ए बिकॉज ए बी ए इज अ पैलिंड्रोम, यस हम ए बी ए को कंबाइन कर सकते हैं। तो मीन्स आपको क्या पता चलेगा, जो भी आपका प्रेजेंट लिस्ट था, प्रेजेंट लिस्ट में आपने क्या कर दिया, ए बी ए को ऐड कर दिया, भैया ए बी ए आपको एक पैलिंड्रोम मिला। क्योंकि आपने क्या देखा होगा कि जब भी आपको अगर इफ द सबस्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम द सबस्ट्रिंग इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, ठीक है, एड सबस्ट्रिंग टू द करंट लिस्ट एंड परफॉर्म डेस्ट फॉर सर्च ऑन द रिमेनिंग सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो ए बी ए को हमने क्या किया, हमने लिस्ट में डाला और रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या बच गई, बी। अब हम इस पे डेप्थ फर्स्ट सर्च हम परफॉर्म करने वाले, इफ द करंट सबस्ट्रिंग एंड सेट इंडेक्स एंड एंड प्लस वन बिकम्स द स्टार्ट इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल, ठीक है। तो मींस देखिए ये सबस्ट्रिंग था, तो इससे क्या हो गया, ये आपका पोटेंशियल कैंडिडेट जिसने आपको इसको आपने अपने लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, ए बी ए को लिस्ट में डाल दिया, और रिमेनिंग सबस्ट्रिंग पे हमको चेक करना है हमारा फंक्शन, रिमेनिंग सबस्ट्रिंग को पार्टीशन करने का प्रयास करना है। तो अब नेक्स्ट इंडेक्स क्या, ये वाला बी, ठीक है। तो आप देखोगे ये वाला बी है, तो आप यहाँ पे मतलब ये वाले बी के बाद आप पार्टीशन इंडेक्स लगाओगे और चेक करोगे क्या ये भी आपका पैलिंड्रोम है, यस मींस आपका पार्टीशन पॉसिबल है। तो मींस आपने क्या किया, बी को भी अपने प्रेजेंट पाथ में ऐड कर दिया। अब आप चेक करोगे आपका स्ट्रिंग एंड हो चुकी है, तो जैसे ही स्ट्रिंग एंड हुई मींस आपको आपका आंसर मिल चुका है, मींस इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जब भी हो स्ट्रिंग लेंथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आप उसको करंट आंसर में ऐड कर दो, करंट रिजल्ट में ऐड कर दो, ठीक है। तो अब हम क्या ऐड कर सकते हैं, ए फिर ए बी ए और बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए ऐड करेंगे, फिर क्या ऐड करेंगे, ए बी ए, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या ऐड करते हैं बी। तो देखिए ये आपका एक पॉसिबल पार्टीशन, क्योंकि देखो इस सबस्ट्रिंग इन दिस पार्टीशन इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो मीन्स हमने क्या किया, ये जो हमारा ये वाला ए था इसके इसके जितने भी एक्सपांडेशन पॉसिबल थे आपने उन सबको चेक कर लिया करके, ठीक है। क्योंकि देखिए इनिशियली आपने ये ए के पहले ही आपने क्या किया था, देखो आपने पहला पार्टीशन यही लगाया था, ए के बाद ही लगा दिया था, लेकिन बैक ट्रैकिंग करके आपने क्या इंक्रीमेंट किया कि या ए जो ए है इसका रेंज कितना आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, ए बी कंबाइन किया, ए बी ए को कंबाइन किया, तो और देखा ए बी ए पे आपको फायदा पड़ा, ठीक है। उसके बाद आप साथ में देखोगे मीन्स एक और चीज आप हम क्या ध्यान देंगे, पता है जब ये जो आपका बी था मीन्स आपने बी को कंबाइन कर लिया, आपका पार्टीशन ए बी ए मतलब ये वाले ए से हमने स्टार्ट किया और ए बी ए आपने देख लिया, ठीक है। आपको एक और पार्टीशन कहाँ लगाना पता है, आप ए बी को कंबाइन कर सकते हो, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स आपने ए ए रखा, फिर ए बी को रखा, फिर ए बी ए को रखा, फिर आप ए बी ए को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो प्रेजेंट ए के लिए अगर आप चेक कर रहे हो तो ए बी भी आपका क्या पैलिंड्रोम नहीं है, तो आपका जो प्रेजेंट ये जो है ए है इसके लिए आप यहाँ पार्टीशन ए बी को कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये वाले ए का भी काम खत्म। अब आप बैक ट्रैक करते हुए अपने नेक्स्ट ए पे पहुंचो, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब बैक ट्रैक का मतलब क्या हो, जैसे कि पहला आपको एक स्टेप बैक करके चलता हूँ, ठीक है। आपका एक पार्टीशन यहाँ तक था ए बी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, फिर से आपको क्या करना, बैक ट्रैक। बैक ट्रैक का मतलब क्या है, बैक ट्रैक का मतलब ये है कि जो ए बी बी ये ऐसा आपने रखा है तो आपने पहले बी को इरेज किया, बी को इरेज करके क्या चेक किया, जो आपका ए बी है ए है इसको आप और एक्सपांड कर सकते हो क्या, तो ए बी ए को आपने और एक्सपांड करना चाहा, ए बी ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। अगर ए बी आपका आंसर नहीं तो आपको क्या करना है, अब आप मतलब ये वाले ए की रेंज खत्म हो चुकी है जो सेकंड ए था, अब आपको फर्स्ट ए से स्टार्ट करना कि फर्स्ट ए को आप कितना लंबा इंक्रीमेंट कर सकते हो, कितना लंबा पार्टीशन कर सकते हो फर्स्ट ए से, ठीक है। तो वापस से हमको क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ता है। बैक ट्रैक में जो आपका मतलब आपका जो ए बी ए था वो भी आप चला गया करके, ठीक है। अब आप कहां पे आ गए, अब आप आ गए अपने फर्स्ट ए पे, ठीक है। फर्स्ट ए से आपको चेक करना पड़ेगा, और फर्स्ट ए से पहला पार्टीशन तो आप कर चुके हो फर्स्ट ए के बाद, ठीक है। अब आपको देख करना है कि भाई फर्स्ट ए के साथ आप कितने और कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, मतलब कितना और एक्सपांड कर सकते हो इसके पैलिंड्रोम रेंज को। तो अगर आप देखोगे, अगर आप ये डबल ए के बाद मीन्स जैसे देखिए आपका मीन्स आप ये मतलब दोनों डबल ए को आप कंबाइन कर सकते हो, यहाँ पे पार्टीशन लगा सकते हो, यस वी कैन, बिकॉज डबल ए इज योर पैलिंड्रोम, डबल ए आपका एक पैलिंड्रोम है। तो आप पार्टीशन लगा दोगे, इसको अपने प्रेजेंट पाथ में ऐड करोगे, रिमेनिंग स्ट्रिंग उसमें आप चेक करोगे कि रिमेनिंग स्ट्रिंग को आप कितने तरीकों से आप पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप रिमेनिंग स्ट्रिंग को चेक करने का प्रयास करोगे तो देखिए आपका रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या है, बी ए बी। तो आप देखो कि ये वाले बी के बाद आप लगा सकते हो, यस, क्योंकि ये वाला इंडिविजुअल बी आपका पैलिंड्रोम है। फिर आप ये वाले ए के बाद लगा सकते हो, यस, बिकॉज इंडिविजुअल ए इज अ पैलिंड्रोम। फिर हम ये वाले बी के बाद भी लगा सकते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल बी इज ऑल्सो पैलिंड्रोम। तो मीन देखो अगर आपने डबल ए को कंबाइन कर लिया तो देखो आप क्या कर सकते हो, बताया बी ए बी, ये आपको एक कॉम्बिनेशन मिल गया, क्योंकि देखो आपका स्ट्रिंग एंड हो गया, एंड होते ही मतलब क्या हो गया, आपका जो प्रेजेंट जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, आपके आंसर में ऐड हो जाएगा। तो आपका प्रेजेंट कॉम्बिनेशन क्या, ए बी ए बी, मीन्स आपको क्या हुआ, ए
ए ये दोनों साथ में होगा एंड देखो बी ए बी ये सब इंडिविजुअल है ठीक है। तो आपका इच पार्टीशन इज योर पैलिंड्रोम ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देख फिर से हमको क्या करना है बैक ट्रैक करना। बैक ट्रैक करने का मतलब क्या करेंगे लास्ट वाले कैरेक्टर को हटा देंगे। ये वाले बी को मैंने इरेज किया, ये वाले बी को क्यों इरेज किया वापस से क्या चेक करना कि आप ए बी को कंबाइन कर सकते हो क्या। तो ये वाले ए बी को हम नहीं कंबाइन कर सकते ठीक है क्योंकि ए बी इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो अगर नहीं कंबाइन कर सकते तो आपको फिर से बैक ट्रैक करना है, ये वाले ए को हटा देना ठीक है। ए को हटाया तो मीन्स जो बी के बाद आपने दीवार लगाई थी उसको आपने हटा दिया। अब आप चेक करो क्या बी ए बी कंबाइन हो सकता है क्या। यस बिकॉज बी ए बी इज योर पैलिंड्रोम ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे हम इसको ऐसा करेंगे बी ए बी इसको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो देखो आपको एक और पार्टीशन मिले क्योंकि बी ए बी इज अ पैलिंड्रोम और देखो बी के बाद आपकी स्ट्रिंग एंड एंड हो जा रही थी ठीक है। तो आप क्या करो वापस इसको भी अपने आंसर में ऐड कर दो। कैसे हम ऐड करेंगे ए ये आपका हो गया फिर क्या हो जाएगा बी ए बी। तो आप अब तक देखेंगे अब तक आपको कितना आंसर मिला 1 2 3 4 5 आपको मतलब कितना टोटल अभी तक 5 आंसर्स मिल चुके हैं 1 2 3 4 5 आपको मतलब 5 आंसर्स मिल चुके हैं ठीक है। तो मिस्टेक ये आपका पार्टीशनिंग मतलब ये आपका पार्टीशन क्या हो गया ये वाला पार्टीशन आपका पॉसिबल हुआ बी ए बी वाला ठीक है। उसके बाद और आगे चेक करते हैं ठीक है। अब हमें क्या करना है हम क्या है हम अपनी स्ट्रिंग के एंडिंग तक पहुंच चुके हैं। आपने क्या ए बी ए बी को अपने आंसर में डाल दिया ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम वापस से क्या करना पड़ेगा हमको हमको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक क्यों क्योंकि आप क्या कर रहे हो ए का पोटेंशियल चेक कर रहे हो ए कहां तक एक्सपांड हो सकता है ठीक है। तो वापस से बैक ट्रैक किया मतलब बी ए बी को आपने हटा दिया तो मीन्स ये जो आपने दीवार लगाई थी ये हट गई। अब आप ये वाले ए के लिए चेक कर रहे थे तो आपने देखो पहला पार्टीशन ये तो आप पहले ही चेक कर चुके थे फिर डबल ए पे आपने पार्टीशन लगा ये भी आपका काम हो गया। आप ए बी के बाद आप इन तीनों कंबाइन कर सकते हो क्या नहीं बिकॉज ए बी क्या है आपका ए बी आपका क्या है पैलिंड्रोम नहीं है ठीक है। अब आप ए बी ए को कंबाइन कर सकते हो क्या नहीं बिकॉज ए बी आपका पैलिंड्रोम नहीं है ठीक है। तो ये भी हट गया ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया आपका लास्ट पार्टीशन ए बी यहाँ पे इन सबको आप कंबाइन कर सकते हो क्या नहीं बिकॉज ये भी क्या है आपका पैलिंड्रोम नहीं है। तो मीन्स क्या हुआ कि भाई आपने सारी पॉसिबिलिटीज को चेक कर लिया तो जितने भी आपके पॉसिबल पार्टीशंस थे ये आपको मिल चुके हैं ठीक है। तो देखा हमने मतलब काम कैसे किया ये मैं आपको फिर से मतलब एक बेसिक एक आपका फ्लो चार्ट मतलब हम बेसिकली अपना फंक्शन फिर से देखते हैं। देखिए हमने क्या किया एक फंक्शन बनाया ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ आपका एक स्ट्रिंग है ये आपका एक स्ट्रिंग एड करके ठीक है। उस फंक्शन में क्या किया हमने क्या क्या स्टार्ट इंडेक्स पास किया ठीक है। तो ये जो आपका एस क्या है एस क्या है एस एस क्या मानता हूँ एस आपका स्टार्ट इंडेक्स है ठीक है आपका स्टार्ट इंडेक्स ठीक है। एस क्या है आपका स्टार्ट इंडेक्स ठीक है। तो हमने अपने फंक्शन एक फंक्शन बनाया ठीक है। तो इस फंक्शन का कोई भी अपना नाम देख सकते हमने फंक्शन एफ में क्या किया हमने स्टार्ट इंडेक्स पास किया ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स पास किया इसका एस का ठीक है स्ट्रिंग एस का ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे जो आपका आप आपको आपके पास एक स्टार्टिंग इंडेक्स है ठीक है। तो हम क्या करेंगे फॉर लूप लगाएंगे कहाँ से फॉर लूप क्या करेगा आपका एंड इंडेक्स को दर्शाएगा ठीक है। और एंड इंडेक्स एस से स्टार्ट होगा ठीक है। और एंड इंडेक्स लेस देन कब तक चलेगा एस डॉट साइज। अगर मैं एन मान लेता हूं आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है ठीक है ई शुड बी लेस देन एन ई प्लस प्लस मीन ई का मतलब आपके एंडिंग इंडेक्स का जितना भी रेंज हो सकता है ठीक है। आप क्या करोगे फॉर लूप लगाओगे ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ये फंक्शन के अंदर ही काम चल रहा है ठीक है। ये जो आपका फंक्शन है एफ एस उसके अंदर ये काम चल रहा है ठीक है। फिर आपको क्या चेक करना जो आपका स्ट्रिंग है अगर मैं आपके जो आपका स्ट्रिंग है कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट से लेके एंड तक का अगर ये वाला इंडेक्स अगर ये पैलिंड्रोम है अगर ये पैलिंड्रोम हुआ ये क्या हुआ अगर ये पैलिंड्रोम हुआ तो आप क्या करो ये जो प्रेजेंट स्ट्रिंग है इसको आप क्या करो अपने पाथ में एक क्या करो एक पाथ वेक्टर मतलब एक पाथ वेक्टर बना लो कि भाई प्रेजेंट पाथ में कौन कौन से पार्टीशंस पॉसिबल है। ये वाला स्ट्रिंग है इसको एक हम मतलब कन्वीनियंस के लिए इसको हम क्या पी नाम दे देते हैं ठीक है पी नाम देते हैं अगर ये पैलिंड्रोम है तो आप क्या करो पाथ में इस पी को ऐड कर दो ठीक है। पाथ में हमको क्या करना है इस पी को ऐड कर देना। उसके बाद वापस से क्या करना है आपको अगर आपका प्रेजेंट इंडेक्स यहाँ पे एंड हो रहा है तो आप जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा था एंड अगर मतलब कि आपका जो आपका सबस्ट्रिंग एंड हो रहा है इंडेक्स एंड पे और क्या है स्टार्ट से एंड तक के बीच का स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोम है तो एंड प्लस वन क्या होगा वो क्या करेगा वो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में जाएगा मीन्स वो नेक्स्ट कैंडिडेट बनने का प्रयास करेगा ठीक है। तो मीन्स अब अगला इंडेक्स क्या हो जाएगा मीन्स अब यहाँ से क्या करेंगे इसी फंक्शन के अंदर ही क्या कर रहे हैं पता है एफ फंक्शन जो है उसमें हम कौन सा इंडेक्स पास करेंगे ई प्लस वन का इंडेक्स पास करेंगे ठीक है। ई प्लस वन का इंडेक्स पास करेंगे ठीक है। और ये काम आपका चलते रहेगा ये मीन्स यहाँ पे आपका फंक्शन एंड होगा। और जब भी जो आपका एस है मीन्स इसी फंक्शन के अंदर एस क्या है जब भी जो आपका स्टार्ट इंडेक्स है एस क्या आपका स्टार्ट इंडेक्स है ठीक है। जब भी आपका एस है वो क्या हो गया अगर वो एन हो गया मीन्स एन मीन्स इंडेक्स स्ट्रिंग डॉट साइज उसके बराबर हो गया तो आप क्या करोगे जो भी आपका आंसर है आंसर होगा उसमें आप क्या करोगे प्रेजेंट पाथ को पुश कर दोगे कि भाई जो प्रेजेंट पाथ में आपने जो भी पार्टीशन किया है वो क्या है वो राइट है ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे हम वापस से बैक ट्रैक हो जाएंगे करके ठीक है। जैसे कि मतलब क्या कह रहा हूँ सपोज आपका जो ई है ये वाला ई सपोज ये वाला ई की वैल्यू सपोज मान लेते हैं ये वाला ई की वैल्यू एक्स है ठीक है। तो एक्स एस मतलब स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट इंडेक्स एस एंड एंडिंग एट इंडेक्स एक्स ये आपका पैलिंड्रोम था तो आप बैक ट्रैक होने के बाद क्या करेंगे बताया आप ई को और इंक्रीमेंट करोगे भाई एस से एक्स प्लस वन तक का
एक्स प्लस टू तक का, वो सब भी आपके पैलिंड्रोम बन पा रहे हैं कि नहीं, तो यही ई आपका क्या होता है, इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप बैक ट्रैक होकर पहुंच रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप देखने का प्रयास कीजिए, पहले आपका क्या था, ए ए बी ए बी था, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया, बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक किया, जैसे कि आपने क्या किया था, ये देखिए आपका क्या था, जो इंडिविजुअल बी था, इंडिविजुअल बी आपका क्या था, पैलिंड्रोम था, ये इंडिविजुअल ए भी आपका पैलिंड्रोम था। लेकिन जब आप बैक ट्रैक हुआ, जैसे कि ये वाला ए है, ए के लिए एंडिंग इंडेक्स क्या था, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स, अगर इन सबको नाम देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। आप देखिए ये जो आपका ए है, इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स क्या था, 3 पे स्टार्ट हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग जो पैलिंड्रोम है, ठीक है। आप बैक ट्रैक करके क्या करोगे, अपने एंड इंडेक्स को इंक्रीमेंट करोगे, क्या कि भाई आपका ये वजह स्ट्रिंग जो स्टार्ट हो रहा है 3 पे एंड हो रहा है 4 पे, क्या ये आपका पैलिंड्रोम है, क्या नहीं था पैलिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद वापस से आप क्या करोगे, बैक ट्रैक कर दोगे, मीन्स आप ये वाला ए भी है इसको पूरा बैक ट्रैक करोगे, मीन्स ये दीवार हटा दोगे। अब देखिए ये जो आपका बी था, इनिशियली क्या था, इनिशियली बी ये देखिए आपका 2 पे स्टार्ट हो रहा था, 2 पे एंड हो रहा था और ये पैलिंड्रोम था। अब आप चेक करो कि भाई ये आपका बी 2 से स्टार्ट होकर अपने एंड को बढ़ाओ, भाई 2 से स्टार्ट होकर 3 पे एंड हो रहा है, ये क्या बी आपका पैलिंड्रोम है, नहीं। फिर आप क्या एंड को फिर से बढ़ाओ, 2 से स्टार्ट होकर 4 पे एंड हो रहा है, ये आपका बी ए बी पैलिंड्रोम है, क्या है, यस। तो देखो आपको ए बी ए बी आपको एक और मिल गया, ठीक है। सिमिलरली यही चीज, मतलब क्या करो, बैक ट्रैक कर दो, बैक ट्रैक करके जब भी आप वापस आओगे तो आपका एंड इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल फंक्शन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं आपको कोड दिखाऊंगा तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंड बहुत मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, यह है हमारा कोड। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ग्लोबल वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर ले लिया जो हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। फिर हमने एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग पाथ लिया कि भाई आपका जो प्रेजेंट पार्टीशन, आपका जो प्रेजेंट पाथ में उससे कौन कौन से आपको ऐसे पार्टीशन मिले जो कि पैलिंड्रोम थे, तभी इसलिए हमने क्या किया, पाथ रखा जो प्रेजेंट पाथ को मेंटेन करेंगे। जैसे देखिए हमारा सबसे पहला हमको पाथ मिला था, उसमें कौन कौन से थे, आपके पाथ में ए ए बी ए बी सब सेपरेटली थे, नेक्स्ट पाथ में आपको ए था बी ए बी था, ठीक है, तो ऐसा चल रहा था, ठीक है। तो ये देखिए हमने पाथ ले लिया, फिर हमने हेल्पर फंक्शन लिया, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है आपका 0, ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया। फिर हमने पाथ को पास किया, फिर हमने क्या किया, अपने स्ट्रिंग एस को पास किया करके, ठीक है, स्ट्रिंग एस को पास कर दिया। ध्यान रहे कि देखिए मैंने पाथ का भी क्या किया, एड्रेस पास किया, एंड स्ट्रिंग एस का भी आपने क्या किया, एड्रेस पास किया, क्योंकि देखो आप क्या करो, रिकर्शन करो, एफ के अंदर फिर से एफ को कॉल करो, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज रिकर्शन, आप रिकर्शन कर रहे हो। तो अगर आप एड्रेस नहीं पास करोगे तो हर फंक्शन में, हर रिकर्शन में आपका क्या होगा, स्ट्रिंग एंड पाथ का कॉपी पास होगा, कॉपी पास होगा मीन्स आपका मेमोरी ज्यादा यूज होगा करके, ठीक है। तो अगर कुछ बड़े टेस्ट केसेस रहे तो आपको मेमोरी लिमिट एक्सीडेड भी आ सकता है, तो इसलिए हमने क्या किया, एड्रेस पास किया हुआ था कि क्या हो, एक्चुअल एड्रेस पास हो पाथ का एंड स्ट्रिंग का, ना कि उनकी कॉपी पास हो, ठीक है, इसलिए हमने एड्रेस पास किया। बेस कंडीशन, अगर जब भी आपका इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच डॉट साइज, मीन्स आपको आपका आंसर मिल गया, आपने बहुत अच्छा पार्टीशन किया, सारे पार्टीशन आपके पैलिंड्रोम थे, तो आपने आंसर में क्या करोगे, पाथ को पुश कर दोगे। जैसे क्या था आपका ए ए बी ए बी, जब आपका ये पार्टीशन, मतलब आपको पहला पार्टीशन क्या मिला था, ए ए बी ए बी, ये क्या था, सारे इसमें सारे सारी सबस्ट्रिंग्स देखो सबके सब पैलिंड्रोम थे, तो आपने उसको क्या किया, उसको अपने अपने आंसर में पुश कर, आंसर जो है हमारा उसमें आपने पुश कर दिया, ठीक है। और ये हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप आई बराबर इंडेक्स से लेकर आई लेस देन एच डॉट साइज तक इंक्रीमेंट करो, करंट स्ट्रिंग को चेक करोगे, करंट स्ट्रिंग मतलब स्टार्टिंग एट इंडेक्स, ये सब एसटीआर फंक्शन होता है, वो क्या होता है, पहला पैरामीटर कि कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होना है, और फिर नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है, लेंथ, कि इंडेक्स इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स क्या आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड उसका उसका जो लेंथ क्या है, आई माइनस इंडेक्स प्लस वन। जैसे कि आप देखिए आपका अगर कोई स्ट्रिंग अगर सपोज 3 से स्टार्ट हो रहा है एंड 4 पे एंड हो रहा है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, 4 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपका जो सब एसटीआर फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, दो पैरामीटर होते हैं, पहला पैरामीटर होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, इसको मैं कहता हूँ स्टार्ट इंडेक्स, या आपका क्या सब एसटीआर फंक्शन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग क्या होता है, आपका नेक्स्ट पैरामीटर होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग क्या होगा, आई माइनस इंडेक्स प्लस वन, ठीक है। अब आप चेक करो क्या आपका प्रेजेंट जो पार्टीशन है वो आपका पोटेंशियल कैंडिडेट है क्या, अगर वो पैलिंड्रोम है क्या। तो हमने क्या किया, देखिए पैलिंड्रोम फंक्शन में डिजाइन किया, देखो पैलिंड्रोम फंक्शन का ये सिंपल सा कोड है, उसमें हमने क्या किया, एड्रेस पास किया, इंट एन बराबर एच डॉट साइज, आई बराबर जीरो, जे लेस देन, वाइल आई लेस देन जे, अगर एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ जीरो, रिटर्न जीरो, और अदरवाइज आई प्लस प्लस जे माइनस, अगर आपकी पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो इन द लास्ट आप रिटर्न वन करोगे, ये क्या है, पैलिंड्रोम फंक्शन चेक करने का कोड हो गया, ठीक। उसके अगर आपका प्रेजेंट स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो आप क्या करो, जो आपका प्रेजेंट पाथ है उसमें आपको उसमें आप उसको पुश कर दो। जैसे कि देखिए आप जब ये वाले केस में थे तो आपने पहले ए के बाद पार्टीशन लगाया तो वो ए क्या है, पैलिंड्रोम, तो उसने आपने प्रेजेंट पाथ में पुश कर दिया। फिर आपने ये वाले ए के बाद पार्टीशन लगाया तो ये ए भी क्या है, पैलिंड्रोम, उसको भी आपने पाथ में पुश किया। फिर आपने क्या किया, ऐसे आप बी ए बी रखिए, ठीक है, ये बी के बाद पार्टीशन लगाया, ये क्या, ये भी है पैलिंड्रोम। फिर आपने ये वाले नेक्स्ट ए के बाद पार्टीशन लगाया तो ये भी है पैलिंड्रोम, तो इसको भी आपने पाथ में डाला। फिर आपने ये वाले बी के बाद लगाया तो देखा ये भी आपका पैलिंड्रोम, तो इसको भी आपने पाथ में डाला। ओवरऑल क्या किया, जब भी आप एंड पे पहुंचे उसको आपने अपने रिजल्ट में पुश कर दिया, ठीक है। पाथ डॉट पुशबैक करंट करोगे अगर वो पैलिंड्रोम में आपका प्रेजेंट स्ट्रिंग, तो उसके बाद आई प्लस वन क्या हो जाएगा, आई प्लस वन को पास करोगे, भाई आपका अगर प्रेजेंट स्ट्रिंग आई पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो एंड प्लस वन वाले इंडेक्स पे चेक करो क्या वो आपका नेक्स्ट पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता है क्या। तो हमने हेल्पर में आई प्लस वन पास किया, फिर पाथ डॉट इन द लास्ट हम क्या करेंगे, पाथ डॉट पॉप बैक करेंगे, क्या ये जो आपका स्टेप है, यही स्टेप क्या आपका
ये स्टेप आपका है बैक ट्रैकिंग, ये क्या है, यही आपका क्या है बैक ट्रैकिंग, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फिर से विजुलाइज कराऊंगा, देखिए आपने ए बी पे पहुंच गया, ठीक है, आपका स्ट्रिंग फोर से स्टार्ट हुआ, फोर पे एंड हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, बैक ट्रैक करना है, आपने क्या किया, इन द लास्ट वाला जो बी था उसको आपने पॉप बैक कर लिया, ठीक है। लास्ट वाला बी आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी ए बी था तो आपने लास्ट वाला बी को पॉप बैक कर चुका, अब आपका ए बी ए है, ठीक है। मीन्स लास्ट वाले बी को आपने पॉप बैक किया, फिर आपने क्या करेगा, अब मीन्स जैसे ये वाला जो आपका जो लास्ट स्ट्रिंग है फोर से स्टार्ट होकर फोर पे एंड हो रहा है, इसको आप और एक्सपांड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप प्रीवियस इंडेक्स थ्री पे आए, ठीक है, अब आप थ्री जो इनिशियली थ्री पे ए था, थ्री पे स्टार्ट होकर थ्री पे एंड हो रहा था, अब क्या करो, थ्री से स्टार्ट होकर फोर पे एंड, ठीक है। अब आपने चेक करो थ्री से स्टार्ट होकर फोर पे एंड पॉसिबल है क्या, यस पॉसिबल था, तो आपने क्या किया, तो आपने एंड पे पार्टीशन क्या लगाया, पार्टीशन लगाया, लेकिन ए बी आपका क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है, तो आप क्या करो वापस से आपको बैक ट्रैक करना है, ठीक है। तो बैक ट्रैक करोगे तो ये दीवार भी हट जाएगी, मतलब ए बी को भी आप क्या करो, मतलब कि ए बी आपका पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। तो सब क्या हो गया, ये आपका ए बी अब क्या हो चुका है, अब पॉप बैक हो चुका है, ठीक है। अब जो आपका मतलब बी बी पे जो पैलिंड्रोम स्टार्ट हो रहा था, टू से स्टार्ट हो गया टू पे एंड हो रहा था, इंडेक्स प्लस वन पास करोगे, क्या मतलब कि भाई बी ए बी ए आपका पैलिंड्रोम बन सकता है क्या, बी ए मतलब कि यहाँ पे देखिए आपका एंड इंडेक्स फिर से आपने इंक्रीमेंट करा हुआ है ना, देखिए एंड इंडेक्स आपने क्या बार बार आपका एंड इंडेक्स इंक्रीमेंट होते रहने वाला, आई क्या आपका एंड इंडेक्स, ठीक है। तो आपने क्या चेक किया, आपने चेक किया बी ए आपका पैलिंड्रोम है क्या, नहीं, तो आप और इंक्रीमेंट किया, बी ए भी आपका पैलिंड्रोम है, यस, तो आपने क्या किया बी ए बी को आपने अपने पाथ में पुश किया, ठीक है। उसके बाद वापस से आपने क्या किया, नेक्स्ट इंडेक्स को पास कर, नेक्स्ट इंडेक्स को पास किया, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, मतलब कि बी के बाद आपका नेक्स्ट इंडेक्स क्या स्ट्रिंग का एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स आप क्या करोगे, जो आपका प्रेजेंट पार्टीशन ए ए बी ए बी को आप क्या करो अपने आंसर में पुश बैक कर दो, ठीक है। सिमिलरली यही वाली चीज को मतलब कि ये वाली चीज को आप ऐसा देखिए, जैसे देखिए ये आपका ये जो ए है ये मतलब यहाँ से देखिए ए ए है वन से स्टार्ट होकर वन पे एंड हो रहा है, ठीक है। मीन्स आप इसके एंड इंडेक्स को बढ़ाओगे तो आप देखो ए बी कंबाइन हो सकता है, नहीं ए बी ए कंबाइन हो सकता है, देखो ए बी ए जैसे ही कंबाइन हुआ तो आपने क्या किया इसका पैलिंड्रोम बना दिया, ठीक है। इसका पैलिंड्रोम बनाने का मतलब क्या हो गया, आपका जो इनिशियल अभी अभी आपके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन ए है, मतलब आपके प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास क्या है, आपके पास ए है, फिर और क्या है ए बी ए है, उसके बाद आपने क्या किया नेक्स्ट इंडेक्स को पास करो, देखो ए बी आपका पैलिंड्रोम है, देखो आपका ए बी ए पैलिंड्रोम है ना, इस पैलिंड्रोम में अगर आप ए बी ए को पास करोगे तो देखो ए बी ए इज योर पैलिंड्रोम, ठीक है। तो आप क्या करो ए बी ए को पास में पुश करो, फिर आई प्लस वन नेक्स्ट इंडेक्स को पास कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स क्या है, ये वाला है, नेक्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा बी, तो आप देखोगे ये वाला बी क्या है, ये भी आपका पैलिंड्रोम है, तो मीन्स इसको भी आप अपने पाथ में पुश कर दोगे करके, ठीक है। और आगे जाओगे तो आपकी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी, तो क्या होगा ए ए बी ए और बी को आप क्या करो अपनी स्ट्रिंग में अपने आंसर में पुश बैक कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोड, आई होप कि आपको कोड समझ में आया होगा। अब बात करूंगा इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा, एट इच कैरेक्टर वी हैव टू चॉइसेस एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। मीन्स तो अगर मैं वर्स्ट केस में बात करूंगा मीन्स आपकी हर सबस्ट्रिंग क्या होगी वो पैलिंड्रोम में होगी, कैसे देखिए आपका मैं एक एग्जाम्पल था ट्रिपल है, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर पे क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर को तो आपको मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर पे आप कोई पार्टीशन नहीं कर सकते, मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर के पहले कोई सबस्ट्रिंग नहीं है ना, तो मिस फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग सारे कैरेक्टर्स पे क्या होंगे, आपके पास टू चॉइसेस होंगी, या तो आप वहां से नया पैलिंड्रोम बना लो, या तो आप उसको प्रीवियस पैलिंड्रोम के साथ कंबाइन कर लो। देखो अभी आपका प्रीवियस पैलिंड्रोम कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन अब जब फर्स्ट ए पे आया तो आपका एक ही कैरेक्टर, तो आपने ये और ये ए क्या है, ये ए अपने आप में एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो ये वाला ए अपने आप में पैलिंड्रोम है, तो आपका जो प्रेजेंट स्ट्रिंग उसमें आप ए को ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद जब आप ये वाले ए पे आओगे तो इसके पास टू चॉइसेस होंगे, क्या चॉइसेस, या तो इसके पीछे जो स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग चलती आ रही है पैलिंड्रोम उसमें उसके साथ कंबाइन होकर ये पैलिंड्रोम बना ले, या फिर अकेला पैलिंड्रोम बना ले। तो अगर इसके पीछे वाले कैरेक्टर के साथ पैलिंड्रोम बनाएगा तो क्या होगा ए ए, अगर ये प्रीवियस के साथ कंबाइन नहीं होकर खुद नया न्यू पैलिंड्रोम जनरेट करने का स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा ए एंड ए, ए एंड ए दोनों सेपरेट है और दोनों देखो पैलिंड्रोम है, मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट कैरेक्टर पर जाओगे तो यहां भी आपके पास टू चॉइसेस है, क्या कि भाई प्रेजेंट जो सबस्ट्रिंग आ रही चलती आ रही उसके साथ कंबाइन हो जाओ, मतलब प्रीवियस सबस्ट्रिंग से कंबाइन होकर पैलिंड्रोम बना लो, या तो इसी अपने ही कैरेक्टर से एक नया पैलिंड्रोम स्टार्ट करो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हो अब प्रीवियस कैरेक्टर के साथ कंबाइन होकर पैलिंड्रोम बनाओगे तो क्या हो जाएगा ट्रिपल ए देखो पैलिंड्रोम है, या तो क्या करो मतलब सेकंड रास्ता क्या है कि प्रीवियस को आप ऐसे ही रहने दो एंड प्रेजेंट जो आपका इंडेक्स है यहाँ से एक नया पैलिंड्रोम स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया डबल ए एंड ए ये आपको मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आप अब यहाँ पे जाएंगे ये वाला ये सेकंड वे आपके पास ये था ना, इसमें आप क्या करो आप प्रीवियस वाले के साथ कंबाइन हो जाओ, प्रीवियस जो सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम था उसके साथ कंबाइन हो जाओ तो क्या हो जाएगा डबल ए, या फिर आप क्या करो खुद एक नया नया पैलिंड्रोम अपने कैरेक्टर से बनाते जाओ तो क्या हो जाएगा ए ए एंड ए। तो देखो ये आपके स्टूडेंट फोर पार्टीशन है, ठीक है। मीन्स प्रेजेंट इंडेक्स के पास कोई प्रीवियस सबस्ट्रिंग नहीं है जिसके साथ वो कंबाइन होकर पैलिंड्रोम बना सके, मीन्स प्रेजेंट कैरेक्टर से, तो आपको क्या होगा हमेशा एक नई सबस्ट्रिंग ही जनरेट होने वाली प्रेजेंट फर्स्ट कैरेक्टर से, ठीक है। न्यू पैलिंड्रोम फर्स्ट कैरेक्टर से जनरेट होने वाला, ठीक है। अदरवाइज बाकी हर कैरेक्टर पे क्या होगा आपके पास दो चॉइस होंगे, या तो आप क्या करोगे प्रीवियस चलती आ रही पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग के साथ कंबाइन हो जाओ, ए के साथ कंबाइन हो गया, मतलब प्रीवियस चलती आ रही सबस्ट्रिंग के साथ कंबाइन होकर देखो क्या कंबाइन हो क्या पैलिंड्रोम बना पा रहे हो, ये चॉइस हो गया, या तो फिर आप प्रेजेंट
इंडेक्स से एक नया पैलिंड्रोम स्टार्ट बनाना स्टार्ट कर। देखो ये सेपरेटली एक नया पैलिंड्रोम बनाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो हर कैरेक्टर पे आपको एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर आपके पास क्या होंगे, टू चॉइस होंगे, या तो आप प्रीवियस कैरेक्टर के साथ कंबाइन होकर पैलिंड्रोम बनाओ या तो अपने इंडेक्स से एक नया पैलिंड्रोम जनरेट करो। तो फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट कैरेक्टर पे वन चॉइस होंगे एंड बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं उन पे कितने टू टू चॉइस होंगे करके, ठीक है। तो अगर टोटल आपके पास एन कैरेक्टर्स हैं तो आपके पास मतलब कि टोटल चॉइस कितनी हो जाएंगी, वन इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हो, 2 टू द पावर n कह सकते हो, ठीक है। ये 2 टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में जब भी आप कोई पार्टीशन कर रहे हो, ये जो पार्टीशन जो आप हम जो सब एस टी आर लिख रहे हैं, ये देखिए ये जो आप लिख रहे हो एस डॉट सब एस टी आर, इसमें भी कितना ओ ऑफ n टाइम लगता है। साथ साथ में आप जो पैलिंड्रोम चेक कर रहे हो इसमें भी क्या ओ ऑफ n टाइम लगता है, ठीक है। तो मीन्स आप क्या करो, ओ ऑफ 2 n, टोटल चॉइस कितनी होंगे, 2 टू द पावर n, और हर चॉइस में आपको क्या करना है, n एन टाइम लग रहा है आपको उस सबस्ट्रिंग में को पार्टीशन करने के लिए, ठीक है, और एन टाइम लग रहा है उसको वो पैलिंड्रोम है कि नहीं ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एन प्लस एन इंटू टू टू पावर एन, ये हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या, एक बार में मतलब आपने क्या कि पांच वैक्टर आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ, ठीक है। ये जो वैक्टर फैक्टर स्ट्रिंग आंसर, ये तो आपको रिजल्ट में, ये तो आपको रिजल्ट में देना है, तो ये आपका स्पेस नहीं है। आपके स्पेस में क्या काउंट होगा, वैक्टर ऑफ स्ट्रिंग पाथ, और एक पाथ में मैक्सिमम क्या हो रहा है, आप अपनी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हो, जैसे ए बी को स्टोर किया, डबल ए बी को स्टोर किया, ठीक है। तो आपका जो स्पेस है वो कितना हो जाएगा, स्पेस आपका ओ ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। सिंस वी आर यूजिंग पाथ वेक्टर व्हिच विल स्टोर ऑल कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग एट अ टाइम एंड पुश देम एंड वी विल बी पुशिंग देम टू आवर आंसर इन द एंड, ठीक है। तो देखिए ये O of 2 to the power n क्यों हुआ, क्योंकि देखो फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के इस कैरेक्टर के पास टू चॉइस है, पहली चॉइस जॉइन विद प्रीवियस स्ट्रिंग टू फॉर्म अ पैलिंड्रोम एंड अदरवाइज सेकंड चॉइस स्टार्ट अ न्यू पैलिंड्रोम फ्रॉम दैट कैरेक्टर, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कंसीडर किया जाए, O of n टाइम किसके लिए लग रहा है, पैलिंड्रोम चेक करने के लिए, जो आप सब एस टी आर फंक्शन लगा रहे उसके लिए लग रहा है, ठीक है। तो ओ ऑफ एन प्लस एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन, इसको आप क्या लिख सकते हो, ओ ऑफ टू एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन इंटू टू टू द पावर एन, स्पेस क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन। गाइस यहाँ पे आप चाहो तो एक चीज क्या मतलब एक इटरेशन को आप कम कर सकते हो, अगर आप कुछ ऑप्टिमाइजेशन का सोचोगे तो ये जो आपका जो पैलिंड्रोम है ना, आप मतलब हर सबस्ट्रिंग को जो पैलिंड्रोम चेक कर रहे हो ना, आप चाहो तो ऑलरेडी इसको स्टोर करके रख सकते हो करके, ठीक है। मीन्स आपको ये चेक नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपका डीपी का बहुत फेमस सवाल है पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, आपको बताना रहता है कि आई से जे के बीच में जो भी सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए ये आप क्या कर सकते हो, हमने एक पैलिंड्रोम फंक्शन अलग से बना लिया, उसमें हमने क्या किया, एक हमने एक डीपी वेक्टर ग्लोबल रख लिया करके, ठीक है, जो बताएगा कि आई से जे के बीच में जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो ये देखिए ये हमने क्या किया, ये डीपी का मतलब कोड है, आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई, कौन सा क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, वो क्या बताता है, आई से जे के बीच में जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो ये देखिए उसका कोड हो गया, ये बता देगा आपको कि आई से जे के बीच में आने वाली सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। इनिशियली वन लेंथ की सबस्ट्रिंग हमेशा पैलिंड्रोम होती है, जिसका क्विक ओवरव्यू देता हूं। टू लेंथ की सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम कब होगी, जब एस ऑफ आई बराबर एस ऑफ जे होगा, ठीक है। अदरवाइज डीपी क्या होगा, अगर एस ऑफ आई बराबर एस ऑफ जे एंड डीपी ऑफ आई प्लस वन जे माइनस वन आपका पैलिंड्रोम है, तभी आपका डीपी ऑफ आई जे क्या होगा, वन। तो देखिए आपका जो आपको क्या चेक करना, इंडेक्स और इंडेक्स से आई तक के बीच की जो सबस्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो आप सीधा क्या करोगे, डीपी ऑफ इंडेक्स आई आप सीधा ये चेक करोगे, जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे थे इच पैल करंट इंडेक्स करंट स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप वहाँ क्या करो, डीपी ऑफ इंडेक्स आई इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला और आई पे एंड होने वाला सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, अगर वो पैलिंड्रोम हुआ तब जाके आप स्ट्रिंग करंट बनाओगे और उसको अपने पाथ में पुश कर दो, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो थोड़ा आप क्या कर सकते हो, ये जो पैलिंड्रोम को आप बार बार चेक करो उसको पहले से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऐसा करोगे तो भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। एन स्क्वायर क्यों लगा, आपने डीपी वेक्टर बनाया करके, ठीक है, मतलब डीपी वेक्टर में सारी आई एंड जे को चेक किया पैलिंड्रोम में, तो एन स्क्वायर उसके लिए लग गया, बाकी सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी। एन किसके लिए, आप जो स्लाइस कर रहे हो सब टी आर के लिए, ठीक है। ओ ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन इंटू टू द पावर एन माइनस वन, इसको मतलब कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, एन स्क्वायर प्लस एन इंटू टू द पावर वन, एंड ओवरऑल क्या हो जाएगा, टू टू द पावर एन क्या होता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, एन इंटू टू टू द पावर एन, तो ये क्या हो गया आपका टाइम कॉन्सिडर, स्पेस क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस ओ ऑफ एन। तो पांच वेक्टर के लिए क्या हो गया, एन एंड एन स्क्वायर किसके लिए, ये जो आपने डीपी वेक्टर लिया था, मतलब फॉर ईच आई जे वी आर स्टोरिंग इफ दे आर पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। तो ये क्या है, आप डीपी से भी इसको कर सकते हो, आप चाहो तो एक इटरेशन कम कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूं आपको ये जो प्रॉब्लम है पूरा एकदम अच्छे समझ में आया होगा, आपको पूरे डाउट्स क्लियर होंगे, आपको रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग आपको दिखा होगा, हमने अपने फंक्शन को कैसे डिजाइन किया ये भी आपको दिखा होगा करके। ये देखिए हमारा फंक्शन, मतलब हमने फंक्शन का भी हमने क्या किया, क्विक ओवरव्यू हमने दिया कि भाई हमारा फंक्शन कैसा है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा जो रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग के सवाल होते हैं, इन सब सवालों को करने के लिए आपको कॉपी पेन का सहारा लेना चाहिए, आप इनको कॉपी पेन पर बनाओगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है करके, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।